हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार बेरवा आप सभी का टेक्निकल स्किल चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर के द्वारा हम सभी प्रकार की वैद्युतिक राशियों को कैसे नापते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं। मल्टीमीटर को जैसा कि एवोमीटर भी बोला जाता है, तो इसके द्वारा हम एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को एक ही साथ एक ही उपकरण से नाप सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मल्टीमीटर के अंदर जो व्हाइट कलर का जो बटन होता है वो होल्ड बटन होता है, यानी कि किसी भी राशि को मुझे होल्ड करना है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे होल्ड करना है, तो इस राशि को होल्ड करने के लिए मैं होल्ड बटन का प्रयोग करूंगा। अगर रात नाइट के समय मैं रीडिंग ले रहा हूं, तो मैं यहाँ इससे डिस्प्ले पर उजाला कर सकता हूँ। ये इसका रोटरी स्विच होता है, जो कि जो राशि नापनी होती है वहां पर इसको सेट करना होता है। एसी हो, डीसी हो, या फिर वोल्टेज है, या फिर रेजिस्टेंस है, या हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वहां पर इस रोटरी स्विच को हम सेट करेंगे। आगे दोस्तों, हम देखेंगे कि यहाँ पे एक 10 एडीसी लिख रखा है, अर्थात डीसी सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर डीसी सप्लाई पर हम इसको यूज करेंगे, तो जो इसका जो रेड वाला जो पिन होगा उसको हम इस पे लगाएंगे, और कॉमन वाले पे ऑलवेज हम ब्लैक पिन लगाते हैं। एसी सप्लाई पे इसका प्रयोग करेंगे, तो जो रेड पिन है यहां से हटा करके इस पे दोस्तों यहां लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मल्टीमीटर से हम किस तरह से राशियां माप सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप कि वोल्टेज का सिंबल मैंने बना रखा है, लेकिन ये डीसी का है, तो डीसी वोल्टेज भी हम चेक कर सकते हैं। अर्थात डीसी वोल्टेज को हम चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच जो मैंने आपको अभी बताया था, उसको हम डीसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे एसी वोल्टेज चेक करना दोस्तों, तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच है उसको हम एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। करंट पे चेक करना है, तो करंट को चेक करने के लिए हम करंट पे सेट करेंगे। रेजिस्टेंस को चेक करना है, तो रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे रोटरी स्विच को। इसी तरह से हमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किटों में है रेजिस्टेंस, तो वहां पर इसको सेट करेंगे डायोड पे, रेजिस्टेंस पे। किसी भी चीज की हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जो मल्टीमीटर का जो रोटरी स्विच है उसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं पहले बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि जो ब्लैक वाली पिन है उसको मैं कॉमन के लिए यूज करूंगा दोस्तों, डायोड लगते हैं। नेक्स्ट पिन जो है दोस्तों मेरे पास, वो है रेड कलर की, जिसको हम एसी सप्लाई के लिए यूज करेंगे, तो एसी कंपोनेंट्स पे इसको हम लगा देंगे। तो ये दोस्तों मैंने लगा दिया। अभी दोस्तों, हम इससे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जो मेरे हाथ में जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, प्रतिरोध, उसको हम चेक करेंगे कि ये कितने ओम का है। तो सबसे पहले मैंने रोटरी स्विच को क्या किया है दोस्तों, हमें इस पे 20 के पे मैंने सेट किया, यानी कि 20 किलो ओम पे इसको सेट किया है। तो मुझे पता है कि अंडर 20 है, मतलब 20 से कम ही होगा दोस्तों ये। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए दोस्तों, जो रेड पिन है उसको मैंने यहाँ इस सिरे पर लगाया, और जो ब्लैक पिन है वो इस पर लगाया। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर देखे 0.98 के समथिंग आ रहा है, यानी कि ये पूरा 1000 ओम के समथिंग इसका प्रतिरोध है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसका प्रतिरोध चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। एक और हम देखना चाहेंगे दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके करना बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये वायर है, तो इसको हम अब रोटरी स्विच है उसको मैंने कहा साइरन पे सेट किया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जो ये केबल है इसके दोनों सिरों पे मैंने इसको लगाया, तो इस पे अब साइरन की आवाज आ रही है दोस्तों, देखिए आप लोग। तो दोस्तों, इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी तरह का जो भी वायर है, या जो भी किसी प्रकार का अप्लायंसेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं दोस्तों। तो ये जो रोटरी स्विच, उसको मैं किस पे चेक करूंगा, सेट करूंगा वोल्टेज पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने डीसी बैटरी है, तो इसको डीसी सप्लाई पे मैंने सेट किया दोस्तों। देखिए, डीसी पे सेट किया, और यहाँ पे मैं अब वोल्टेज को मेजर करेंगे। देखिए, ये बैटरी है मेरे पास, यहाँ पे सेट किया। तो इस पे जैसे मैंने इस बैटरी के दोनों टर्मिनलों पे मैंने मेरी जो पिन है वो लगाई, तो डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा 5.59। तो इस तरह से हम किसी भी डीसी बैटरी का जो वोल्टेज चेक कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको एसी वोल्टेज चेक करके बताता हूँ दोस्तों। तो अब मैं एसी सप्लाई पे सेट करूंगा। जैसे देखिए, एसी वोल्टेज पे मैंने इसको सेट किया, और मुझे पता है कि मैं सिंगल फेज चेक करने वाला हूं, तो मैंने इसको 600 पे सेट किया, क्योंकि सिंगल फेज में 230 से 250 के बीच में वोल्टेज आता है। तो मैंने इसको ऑलरेडी 600 वोल्टेज एसी सप्लाई पे इसको सेट किया। तो देखते हैं हम, अब मेजर करके देखे हैं कि कितना वोल्टेज सप्लाई इसमें आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि 230, मैंने बोला था 230 से 250 के बीच में वोल्टेज हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर के द्वारा हम सभी प्रकार की वैद्युतिक राशियों पर किस प्रकार से नाप सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।